नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जन्मदिन के लिए इस तरह का पोस्टर डिजाइन करना सिखाएंगे। जैसे कि सामने स्क्रीन पर पोस्टर दिख रहा है दोस्तों, इस तरह का पोस्टर बनाकर यहाँ पर अपना फोटो लगा सकते हैं और फोटो के नीचे अपना नाम और मोबाइल नंबर बिल्कुल आसान तरीके से डाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह का पोस्टर अपने मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल आसान तरीके से डिजाइन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिए ताकि आप भी इस तरह का पोस्टर बना पाओ। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इस तरह का पोस्टर डिजाइन करना सिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पोस्टर को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल ऐप। देख लीजिए दोस्तों, ये एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप पिक्सल ऐप लिखकर सर्च करोगे ये एप्लीकेशन आ जाएगी, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए, हमने इसे पहले से डाउनलोड करके रखा है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, ओपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस न्यूटेक्स को आपको यहाँ से हटाना है। इसे हटाने के लिए बस आपको यहाँ पर देखिए इस डिलीट वाली बटन पर एक बार क्लिक करना है और यहाँ से देखिए आपको ओके के बटन पर एक बार क्लिक कर देना है, जिससे न्यूटेक्स हट जाएगा। अब दोस्तों, आपको इस वाले बॉक्स पर एक बार क्लिक करना है और आपको इस साइड स्क्रॉल करना है। दोस्तों, वीडियो ध्यान से एकदम लास्ट तक देखते रहिए, आप बहुत ही जल्द सीख जाएंगे किस तरीके से ये पोस्टर डिजाइन किया जाता है। बस आपको यहाँ से देखिए प्रॉम गैली दिख रहा होगा, आपको प्रॉम गैली पर एक बार क्लिक करना है, जिससे आपके फ़ोन की गैली ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों, आपको अपने फ़ोन की गैली में से इस इमेज को चूज कर लेना है। इस बैकग्राउंड को हमने पहले से डिजाइन करके रखा है क्योंकि दोस्तों आपको पोस्टर बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। अब इस तरीके से गैली में चूज कर लेने के बाद आपको टिक वाले साइन पर एक बार क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बैकग्राउंड आ चुका है, इसको हमने पहले से डिजाइन कर दिया है क्योंकि दोस्तों आपका टाइम भी ख़राब ना हो और पोस्टर भी आपका बहुत जल्दी बन जाए। बस आपको यहाँ पर अपना फोटो लगाना है और नाम और मोबाइल नंबर डालना है, आपका पोस्टर बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ से आपको अपना जन्मदिन की तिथि डाल देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फोटो लगाना है। फोटो लगाने के लिए आपको प्लस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है और आपको यहाँ से देखिए फ्रॉम गैली दिख रहा होगा, आपको फ्रॉम गैली पर एक बार क्लिक करना है, जिससे आपके फ़ोन की गैली ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों, आपको अपने फ़ोन की गैली में से आप जो भी फोटो लगाना चाहते हैं उस फोटो को आपको सिलेक्ट कर लेना। दोस्तों, ध्यान रखना है आपको अपने फोटो किसी प्लेन जगह से क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ से देखिए टिक वाले साइन पर एक बार क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, हमारा फोटो यहाँ पर आ चुका है। इसके पीछे का बैकग्राउंड कैसे हटाना है उसके लिए आपको बीच वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है और आपको यहाँ से देखिए इरेजर कलर आपको इस पर एक बार क्लिक करना है, इसे आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके पीछे का बैकग्राउंड बहुत ही आसान तरीके से हट चुका है। आप इस तरीके से अपने फोटो का बैकग्राउंड हटा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप देख लीजिए हमारा फोटो यहाँ पर लग चुका है। अब आपको यहाँ पर अपना नाम डाल देना है और आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। नाम डालने के लिए आपको प्लस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है और आपको टेक्स्ट पर एक बार क्लिक करना है। इस टेक्स्ट को नीचे लाना है, इस पर डबल टैप करना है। इस नेव टेक्स को आपको यहाँ से हटा देना है। इसे हटा देने के बाद दोस्तों, आपका जो भी नाम है वो नाम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और आपको ओके के बटन पर एक बार क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर नाम पड़ चुका है। इस तरीके से आपको नाम डाल देना है, इसे सही से एडजस्ट कर देना है। अब इसके कलर को चेंज करने के लिए आपको ए पर क्लिक करना है और आपको इस साइड स्क्रॉल करना है, कलर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। इसमें से आपको व्हाइट कलर चूज कर लेना है और आपको टिक वाले साइन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ से देखिए ए बी फॉन्ट पर एक बार क्लिक करना है और इसके फॉन्ट को आपको यहाँ से चेंज कर देना है। आप जो भी फॉन्ट रखना चाहें वो फॉन्ट आप यहाँ से रख सकते हैं। जैसे दोस्तों, हम यहाँ से ये वाला फॉन्ट रख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने ये वाला फॉन्ट रख लिया है। अब आपको इसी तरीके से मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर के लिए इसे कॉपी करना है, नाम को कॉपी कर लेने के बाद इसे नीचे लाना है, इस पर डबल टैप करना है। इस नाम को हटाकर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। मोबाइल नंबर टाइप कर देने के बाद आपको ओके के बटन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब इसे इस तरीके से थोड़ा छोटा करके आपको यहाँ पर सही से एडजस्ट कर देना है। अब आपको यहाँ से अपने जन्मदिन की तिथि डालनी है। तिथि डालने के लिए आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है, इस टेक्स्ट को नीचे लाना है, इस पर डबल टैप करना है। और दोस्तों, आपकी जो भी जन्मदिन की तिथि है वो तिथि आपको यहाँ पर डाल देनी है। जैसे दोस्तों, यहाँ से 20 जून, आपकी जो भी तिथि है वही आपको यहाँ पर टाइप करनी है। जैसे दोस्तों, यहाँ से 20 जून 2022 डाल देते हैं। आप जो भी डालना चाहें वो तिथि आपको यहाँ पर डाल देनी है। इस तरीके से इसमें सही से एडजस्ट कर देनी है। अब आपको यहाँ से देखिए बी पर क्लिक करना है, फिर से बी पर क्लिक कर देना है, टिक वाले साइन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ से कलर पर क्लिक करना है, इसमें से आपको ब्लैक कलर चूज कर लेना है, टिक वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं आपका पोस्टर बन के तैयार हो चुका है। अब इसे फ़ोन की गैली में सेव करने के लिए आपको यहाँ से देखिए शेयर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है और आपको यहाँ से देखिए सेव टू गैली पर एक बार क्लिक कर देना है, जिससे ये पोस्टर आपके फ़ोन की गैली में सेव हो जाएगा। अब दोस्तों, इसको आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, किसी अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं और अपने स्टेटस पर भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन से बर्थडे पोस्टर बना सकते हो। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।